हेलो एवरीवन, आज की हमारी हिंदी की ई क्लास में हम हमारा लेसन नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं, जो है घर। इस चैप्टर के लेखक हैं भोला भाई पटेल। डॉक्टर भोला भाई पटेल गुजराती भाषा के साहित्यकार हैं और उन्होंने बनारस यूनिवर्सिटी से हिंदी, संस्कृत और प्राचीन भारतीय संस्कृति के विषय में बीए की उपाधि प्राप्त की थी और गुजरात यूनिवर्सिटी में वे हिंदी विभाग के प्रोफेसर भी रहे। इस निबंध घर में जो कहानी बताई गई है उसके अनुसार लेखक और उनके अन्य भाई शहर में जाकर स्थायी रूप से रहने लगे थे और इसलिए उन्होंने अपने गांव के घर को बेच देने का विचार किया। वह मिट्टी का घर उनके परिवार ने बड़ी मेहनत से बनाया था। घर बेचने से पहले सभी भाइयों ने यह निश्चय किया कि एक बार वो सब एक साथ जाकर उस घर में रहेंगे। लेखक की माँ पुरानी घटनाओं को याद करके उस घर में जब रोने लगती हैं, तो सबका मन दुखी हो जाता है और अंत में घर को ना बेचने का निर्णय लिया जाता है। इस घटना से हमें यह पता चलता है कि घर केवल चार दीवारी और छत से ही नहीं बनता, बल्कि वह व्यक्ति की भावनाओं का भी प्रतीक होता है। तो स्टूडेंट्स, आइए इस चैप्टर को हम विस्तार से देखते हैं। गांव से शहर में स्थायी हो जाने के बाद लगभग बंद रहने वाला छोटा सा गांव का पुश्तैनी अर्थात कई पीढ़ियों से चला आ रहा घर जब बेकार होने लगा तो सबने उसे बेच देने का विचार किया। जिस मोहल्ले में लेखक का घर था, वहां के पुराने पड़ोसी भी अब शहर में जाकर रहने लगे थे। ज्यादातर लोगों ने अपने पुराने घरों को बेच दिया था, इसलिए शादी, मृत्यु जैसे अवसर पर किसी सामाजिक रिवाज के लिए या लंबी छुट्टियों में गांव में इस घर में रहने जाते थे तो लेखक और उनके परिवार वालों को बड़ा बेढंगा लगता था। नए पड़ोसी भी अब तो वहां पर आ गए थे और उनमें से अभी ज्यादातर लोगों के साथ लेखक का कोई नाता या रिश्ता नहीं बन पाया था और उनके पड़ोसी भी इनको आगंतुक अर्थात अजनबी ही मानते थे। इसलिए इस घर को अब ज्यादा समय तक संभाल के रखने का कोई आकर्षण उन लोगों के लिए नहीं रहा था और बंद रहने के कारण पुराना घर भी जर्जरित मतलब बहुत कमजोर हो रहा था। चौमासे यानी बारिश के सीजन में अधिक बरसात पड़ने पर टीन के छप्पर से भी पानी अंदर आता था, जिससे घर की एक मुख्य दीवार में दरार पड़ गई थी और खुले दालान एवं आंगन में कूड़े के ढेर लग जाते थे। इसलिए बूढ़ी माँ की आज्ञा लेकर जब उस घर को बेचने का इरादा पक्का कर लिया गया और योग्य ग्राहक मिलने पर एक गांव में रहने वाले व्यवहार कुशल मित्र से उसे बेचने की सिफारिश कर दी गई और फिर लेखक और उनके भाई शहर चले आए। एक दिन जब घर को बेचने का एक अच्छा ऑफर आया तो ऑफर को ठीक मानकर और जो ऑफर करने वाला व्यक्ति था वह अच्छा है और भरोसेमंद है, ऐसा सोचकर अब देर नहीं करनी चाहिए या आनाकानी मतलब टालम टोल करने का कोई प्रश्न नहीं है, उन सब ने घर को बेचने का निश्चय कर लिया। परंतु उसी क्षण मन में उनके एक टीस सी उठी, एक दुख की भावना आई और बार बार मन व्यग्र होने लगा, बेचैन होने लगा और विचार आने लगा कि पुश्तैनी घर को क्यों बेचा जाए। तीन चार पीढ़ियों से चले आ रहे मिट्टी के मकान या कमरे के स्थान पर लेखक के पिता ने यह ईंट का पक्का घर बनवाया था। कहना चाहिए कि घर के सभी सदस्यों ने स्वयं मजदूरी करके इस घर को बनाया था और पिताजी इसके लिए अपनी बैलगाड़ी में ईंटें लेकर आते थे। चिनाई के लिए गारा बनाने के लिए वह गांव के आंबा तालाब की चिकनी मिट्टी खुद खोदकर लेकर आते थे और लेखक की मां ने तो ऊंचाई तक अर्थात शहतीर तक गारे के तसले अपने सिर पर रखकर चढ़ाए थे।
फिर शहर में अपने लड़कों के जब नए मकान बनने लगे तब उनके मकान वेतनभोगी सुपरवाइजरों की देखरेख में और मजदूरों द्वारा बनाए जाने लगे, तो यह देखकर मन में थोड़ा खुश होते हुए माता पिताजी अनेक बार कैसे उन्होंने गांव का घर खुद मेहनत करके बनाया था उस बात को याद करते थे और कई बार भावुक हो जाते थे। इसी घर में जो कि उनका गांव का पुश्तैनी घर था उसमें सभी भाई बहनों का जन्म हुआ था। और इतना ही नहीं, उसी कमरे में उन सबके वैवाहिक जीवन का भी आरंभ हुआ था। उसी कमरे में उनकी संतानों के जन्म भी हुए थे। जीवन में जो अनेक अच्छे बुरे प्रसंग आए वह घर उन सब का गवाह था, अर्थात साक्षी था। घर के आंगन में वो सब कैसे खेलते थे। एक दिन उस घर के आंगन को पार करके कंधे पर थैला लटकाकर गांव की पाठशाला में वे सब पढ़ने गए थे। एक दिन उसी आंगन को पार करके दूसरे गांव में वो पढ़ाई के लिए गए थे और एक दिन उसी आंगन को पार करके वो सब शहर में जाकर बस गए थे। इसी घर के आंगन में उनकी बहनों और भाइयों के विवाह मंडप बांधे थे, मतलब उनकी शादी ब्याह भी वहीं से हुए थे। और यहीं पर बिरादरी वालों के साथ झगड़े और स्नेह मिलन भी हुए थे। यहीं पर पड़ोसियों के साथ ऊंची आवाज में बोला चाली भी होती थी और जाड़ों में अलाव मतलब आग के पास बैठकर मधुर विश्रम कथाएं यानी प्रेम कथाओं की बातें भी हुआ करती थी। यही वह आंगन था जिसमें उनके परिवार के कुछ सदस्य जैसे भैंस और भैंस के छोटी बच्चा यानी पड़िया और बाकी के बछड़े बैल सब बांधे जाते थे। इसी घर के दालान में उनकी दादी और फिर दादा की मृत्यु के समय गोबर से लीप कर उनके मृत देह को सुलाया गया था और सारी पूजाएं हुई थी। और कुछ वर्ष पहले ही उनके पिता की मृत्यु के बाद उन्हें भी इसी दालान में सुलाया गया था। लेखक का घर दोनों ओर जो घरों से घिरा हुआ था वह हमारे या उनके एकदम निकट के साथी थे और अब वह घर भी बंद रहते थे। लेखक कहते हैं कि उनके मित्र रोजी रोटी कमाने के लिए देश के अनेक स्थलों में घूमने के बाद अपनी पत्नी की मृत्यु होने पर अब अहमदाबाद में रहते हैं और उसके बाद का जो मकान है उसमें काशी बुआ रहती थी। उनकी मृत्यु को भी अब तो वर्षों हो गए और वर्षों तक जहां वे रेत की घड़ी लेकर रोज सामायिक करती थी, सामायिक अर्थात धार्मिक पूजा पाठ करती थी, उस दालान में अब एक मोटी तोंद वाला यानी बड़े पेट वाला बारोट सोता दिखाई देता है। और लेखक के घर के सामने वाले मकान का मालिक प्रौढ़ अवस्था में किंतु कुमारा ही चल बसा यानी उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद जिसने वह मकान खरीदा उसने आंगन के लिए झगड़ा करके पड़ोसी हक स्थापित किया। एक दिन वह घर भी गिर पड़ा। अब नई दिशा में नए दरवाजे के साथ एक नया घर बनाया गया है। इस तरह सब बदल चुका है फिर भी ऐसा लगता है कि हम अपना घर क्यों बेचें? पुराना है तो भी है तो हमारा पुश्तैनी ही घर। वह घर है, चार दीवारों और छप्पर वाला कोई मकान नहीं। मकान पैसों से खरीदा जा सकता है, बनवाया जा सकता है, पैसे लेकर बेचा जा सकता है, परंतु घर, घर तो एक भावना है। घर ना होने पर घर की भावना भी अच्छी है और वह घर सिर्फ पैसों से खरीदा या बनवाया नहीं जा सकता। इसलिए लगने लगा कि भले ही घर पुराना होता जाए, जीर्ण होता जाए, भले ही गिर पड़े, परंतु वह हमेशा रहना चाहिए। दूसरी ओर मन दूसरा तर्क करता है कि सब कुछ भावुकता है, यदि गांव में जाना ही नहीं तो वहां घर रखने का क्या अर्थ है। अच्छे पैसे अगर मिल रहे हैं तो इतने पैसों को फिक्स डिपॉजिट में रखें तो भी क्या फर्क पड़ेगा। अंत में सारी बातों पर विचार करके घर को निकाल देने का यानी बेच देने का निर्णय लिया गया। परंतु सब भाइयों ने एक बार अपने पूरे परिवार के साथ उस घर में कुछ दिन एक साथ बिताने के लिए सोचा। हमेशा के लिए निकाल देने से
तो एक बार उस घर में सब एक साथ रह लें, ये बहुत अच्छा होगा। और फिर लंबे समय के बाद वह बंद घर खोला गया और सब लोग वहां रहने पहुंच गए। देखते ही देखते छोटे बड़े परिवार से वह सूना घर गूंजने लगा। इस अवसर पर एक नगरवासी मित्र को गांव में इस घर को देखने के लिए साथ में लेकर आए। पुराने दिन वापस लौट आए थे। पिताजी की मृत्यु के बाद मेरी माँ करीब करीब उदास रहती थी। घर के सामाजिक प्रसंगों के विशेष प्रसंगों में वे कभी विशेष रुचि नहीं लेती थी, लेकिन यहाँ आकर सबके बीच रहकर वह प्रसन्न रहने लगी। परंतु अब घर की प्रत्येक दीवार लेखक को उलाना दे रही थी, यानी शिकायतें कर रही थी। दालान में जहां वह हमेशा बैठते थे, जहां बैठकर पहली बार उन्होंने काका गागा लिखना सीखा, जहां बैठकर छुट्टियों में वे उच्च शिक्षा के ग्रंथ पढ़ते थे और वहां जाकर बैठते थे, वह भीत और यानी दीवार से टेक लेकर ही वह अंदर जाते थे, वह दीवार अब उन्हें अंदर से हिला गई थी। उन्होंने पीछे मुड़कर उस दीवार पर हाथ फेरा तो जैसे वह दीवार कह रही थी, एक तो इतने दिन के बाद आए हो और बस हमेशा के लिए। लेखक व्यग्र हो उठे और आंगन में खाट बिछाकर बैठ गए। अब वहां पर खाली नाद, मतलब वह बर्तन जिसमें गाय भैंसों को पानी पिलाया जाता था, वह नाद थी। खूटे जिनसे गाय भैंसों को बांधा जाता है थे, परंतु ढोर डंगर नहीं थे। परंतु उस ओर देखते ही मानो जैसे वह एक साथ रंभाने लगे, आवाज करने लगे। लेखक एकदम खड़े हो गए। शून्य आंखों से भरा हुआ आंगन उन्हें देख रहा था और घर की एक खपरेल। कितने सारे चौमासे यानी बारिश के सीजन में वह संगीत वहां पर सुना करते थे। वहां तोरण के बीच नीचे जैसे उनकी बहनें विवाह मंडप में बैठी थीं और यहीं दादी दादा और पिताजी की अर्थियां बंधी थी। ऐसा लगा जैसे उनका गला रुंध गया हो। घर के अंदर के कमरे में गए तो वह कमरा बंद था और जर्जरित हो गया था, किंतु खुलते ही वह जैसे बहुत मुखर लग रहा था। पिछली दीवार की एक जाली से थोड़ा सा प्रकाश आ रहा था। एक समय यह कमरा अनाज भरने की मिट्टी की कोठियों, मतलब बड़े बड़े बर्तनों और पिटारों से भरा रहता था। वह सब अब कहां चले गए, कब के निकाल दिए गए, कुछ पता नहीं। परंतु अभी भी कोने में दही बिलोने का मटका और खूंटी और बड़ी रई लटकी हुई है। मैं यहां पर जन्मा था और मेरी संतानें भी। और अब बीच में खंड में जहां लेखक के घर में खाना बनता था और खाना खाते थे, वहां से होकर फिर वो दालान में आए। माँ वहां पर अकेली बैठी हुई थी। इस समय इधर उधर सभी लोग गए हुए थे तो लेखक ने देखा कि बूढ़ी माँ रो रही है और माँ को कम दिखाई देता है और कम सुनाई देता है। अब अधिक दिन माँ जीवित रहे ऐसा नहीं लगता। उन्होंने माँ के पास जाकर पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो माँ? माँ और जोर से रो पड़ी। और यह घर, बस इतना ही वह आंसुओं और हिचकियों के साथ बोल पाई। पिताजी की मृत्यु के बाद भी वह इतना नहीं रोई थी, उतना इस समय रो रही थी। धीरे धीरे हिचकियों के बीच उन्होंने कहा, यह घर मैं जब तक जीवित हूं तब तक इसे मत बेचो या मत निकालो, और अब तो मैं कुछ ही दिनों की मेहमान हूं और मेरे मरने के बाद फिर तुम लोग जो भी चाहो वो करो। पर लेखक ने कहा, परंतु माँ तूने ही तो इसे बेचने के लिए कहा था। माँ ने कहा, कहा होगा परंतु यहाँ आने के बाद नहीं, तुम इसे मत बेचो। उनका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। माँ को रोता हुआ देखकर लेखक को बहुत दुख हुआ, परंतु एक अलग ही खुशी भी प्राप्त हुई। उन्हें ऐसा लगा जैसे माँ का हृदय अभी भी जीवंत है, उसे अभी भी इस दुनिया में जीवन में रुचि है। यूं तो सारे लोग मान बैठे थे कि माँ अब अपने दिन गिन रही है,
परंतु घर के प्रति उनका यह गहरा लगाव देखकर लेखक को इस बात की प्रसन्नता हुई कि माँ के अंदर अभी भी जीने की इच्छा जागृत है। घर निकाल देने की बात को लेकर मैंने यानी लेखक ने मन के अंदर ही अंदर एक अपराध की भावना का अनुभव किया, परंतु अब तो एक प्रकार की तीव्र कसक उठ रही थी। घर को सभी की सहमति से बेचने के बाद निर्णय लिया गया था। इकरारनामा यानी करारनामा भी हो चुका था, लेकिन उस दिन से प्रत्येक सदस्य घर की बात निकलते ही एकदम चुप या मौन हो जाता था। इतने में छोटा भाई मकान खरीदने वाले के साथ आया। घर के अन्य सदस्य भी एक जगह एकत्र हो गए और माँ के आसपास आकर बैठ गए। माँ को समझाने का प्रयत्न करने लगे, हम अधिक सुविधा वाला नया मकान इस गांव में ही बनाएंगे, इसी घर के पैसों से, और जैसा तुम कहोगी वैसा ही बनाएंगे। फिर माँ ने कहा, मैंने इस घर की शहतीर तक ईंटें चढ़ाई हैं, तुम्हारे पिता ने कितनी उमंगों से इसे बनाया है, इसलिए जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तुम इसे ना बेचो, और मेरे जाने के बाद भगवान करे तुम लोग उससे भी अच्छा घर और महल बनाओ, परंतु इस घर को तो, ऐसा कहकर माँ रुक गई। छोटा भाई समय की नजाकत को समझ गया और उसने मकान खरीदने वाले से कहा, भाई कुछ समय के लिए रुक जाओ, यह घर जब भी देंगे तुम्हें ही देंगे, अभी हम इसे बेचना नहीं चाहते। लेखक ने जब देखा तो उन इस बात से उन सबकी छाती पर से जैसे एक पत्थर सा हट गया, बोझ सा हट गया, और बरसात के बाद खुले आकाश जैसा माँ का मुंह देखकर मानो वह जर्जरित पुराना घर भी हंस रहा था। अदृश्य, अदृश्य मींस जो दिखाई न दे, ऐसे ग्रह देवता की प्रसन्नता का स्पर्श घर के सभी सदस्यों को हुआ। तो स्टूडेंट, ये था हमारा निबंध घर। आई होप कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप इसे और अच्छे से पढ़कर इसके प्रश्न उत्तरों को अपनी नोटबुक में लिखें। थैंक यू।